अमावस्या पर भूलकर भी ना करें ये ऐसी पांच गलतियाँ, वरना हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। वहीं अगर अमावस्या सोमवार को आती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमावती अमावस्या के दिन पूजा पाठ के साथ साथ बहुत खास उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ग्रह दोष और पितृ दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं सोमावती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। सोमावती अमावस्या कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद मास का अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन होने के कारण ये अमावस्या सोमावती अमावस्या होगी। सोमावती अमावस्या 2024 मुहूर्त भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर सोमवार सुबह 5:21 से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तिथि की समाप्ति 3 सितंबर बुधवार सुबह 7:24 पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:29 से प्रातः 5:15 तक अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:55 से दोपहर 12:46 तक श्राद्ध का समय दिन में 11:30 से दोपहर 3:30 तक है। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं सोमावती अमावस्या के दिन क्या काम करना चाहिए। नंबर एक, इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। नंबर दो, इस दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए गरीब या जरूरतमंदों को जरूरत का सामान जरूर दान करें। नंबर तीन, अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें। नंबर चार, इस दिन पितृ गायत्री मंत्र या अपने पूर्वज को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। नंबर पाँच, इस दिन धर्म ग्रंथों विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर छः, इस दिन ज़्यादातर समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ या कीर्तन भजन आदि में बिताना चाहिए। नंबर सात, इस दिन बड़ों का सम्मान करें और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। नंबर आठ, इस दिन मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए आप जानते हैं सोमावती अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर ए, सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौआ, गाय, कुत्ता आदि को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों के माध्यम से ही आपके पितृ अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और इन जीवों का पंचबली क्रम में बड़ा ही महत्व है। इनको प्रताड़ित करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों के भी उपासना का महत्व है क्योंकि यह किसी न किसी ग्रह का या देव से जुड़े होते हैं। नंबर दो, सोमवती अमावस्या पर आपको किसी भी रंग के वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको केवल सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ही दान करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के समय में अपने लिए सफ़ेद वस्त्र नहीं खरीदते हैं क्योंकि यह पितरों के लिए खरीद कर दान करते हैं। नंबर तीन, अमावस्या पर किसी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान
में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानो इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। यह नकारात्मक शक्तियाँ मानसिक रूप से कमज़ोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती है। जब कोई व्यक्ति में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वह उनके बस में हो जाता है। नंबर 4, सोमवती अमावस्या पर सबसे महत्वपूर्ण प्रथाओं में से एक शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्धता बनाए रखना है। इस दिन मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन तक वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि यह वस्तु शरीर और दिमाग को दूषित कर देती है, जिससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन मांस खाना या शराब पीना देवताओं और पितरों का अपमान माना जाता है। इसके बजाय शरीर को शुद्ध करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सादा शाकाहारी भोजन खाने या उपवास रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, सोमवती अमावस्या के दिन पैसा उधार देना या लेना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लेन देन करने से भविष्य में किसी कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। यह इस विचार से उपजा है कि अमावस्या एक ऐसा दिन है जब नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक प्रचलित होती है और आदान प्रदान में संलग्न होने से यह ऊर्जाएं आकर्षित हो सकती है, जिससे आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो सकती है। सुख समृद्धि सुनिश्चित करने और संभावित नुकसान से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी तरीके से लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और जरूरतमंदों को दान देना, जो इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 6, सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, शंख, सिंदूर, हल्दी, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं को शिव पूजन में शामिल करते हैं तो यहाँ देव आपसे प्रसन्न होने क्रोधित हो सकते हैं, क्योंकि यह वस्तु भोलेनाथ की पूजा में वर्जित है। नंबर 7, इस दिन कुछ खाने की चीज़ें जैसे चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन ये चीज़ें ना खाएं। सोमवती अमावस्या पर पितरों को खुश करने के उपाय। नंबर 1, सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, सूर्य देव की पूजा कर लें, फिर अपने पितरों का स्मरण करें। उनको आप आह्वान करने के बाद जल, काले तिल, सफ़ेद फूल से उनके लिए तर्पण करें। यह जल पाकर वह तृप्त होंगे, जिससे उनकी नाराजगी दूर होगी और वह आपको आशीर्वाद देंगे। नंबर 2, सोमवती अमावस्या पर आपको अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, पितृ दोष की शांति के लिए। इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सोमवती अमावस्या के अवसर पर पितरों को खुश करने के लिए आप शाम के समय में अंधेरा होने पर दक्षिण दिशा में एक दीपक सरसों के तेल का हो सकता है। नंबर 4, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में आप भोजन बनाएं और उसमें से कुछ हिस्सा पितरों को अर्पित करें। पितरों को वह भोजन गाय, कौवा, कुत्ता आदि के माध्यम से पहुंचता है, इसे पाकर वह तृप्त होते हैं। इसे पंचबली क्रम कहा जाता है। नंबर 5, अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। इसके अलावा अनाज, फल आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।